दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर। ये महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और टॉपिक वाइज इनको चुना गया, छांटा गया अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर एक, महाराणा उदय सिंह ने मुगल आक्रमण से पूर्व चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा का दायित्व चाबियों के रूप में किसे सौंपा था? ए जयमल राठौड़, बी फत्ता सिसोदिया, सी वीर कल्लाजी राठौड़, डी ठाकुर गोपाल सिंह। इसका सही आंसर है ए जयमल राठौड़। क्वेश्चन नंबर दो, कला की धरोहर संजोए हुए और महलों के सुंदर कांच की नक्काशी के कार्य के लिए प्रसिद्ध भोपालगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ए भरतपुर, बी जोधपुर, सी झुंझुनू, डी बाड़मेर। इसका सही आंसर है सी झुंझुनू। क्वेश्चन नंबर तीन, मेवाड़ के सलुम्बर का वह रावत राजा जिसने मुगल बादशाह औरंगजेब के सामने ही शेर को चीर दिया था, ए रावत रतन सिंह चुड़ावत, बी रावत जैत सिंह चुड़ावत, सी रावत कृष्णदास चुड़ावत, डी रावत केसरी सिंह चुड़ावत। इसका सही आंसर है डी रावत केसरी सिंह चुड़ावत। क्वेश्चन नंबर चार, बीकानेर में शार्दुल म्यूजियम कहाँ स्थित है? ए करणी महल, बी लालगढ़ महल, सी गंगा निवास महल में, डी अनूप महल में। इसका सही आंसर है बी लालगढ़ महल में। क्वेश्चन नंबर पाँच, सारणेश्वर महादेव का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को होता है, इस मेले का प्रचलन सबसे अधिक किस समाज से है? ए ग्रासियस समाज, बी विष्णोई समाज, सी रेबारी समाज, डी दादिज ब्राह्मण समाज। इसका सही आंसर है सी रेबारी समाज। क्वेश्चन नंबर छः, बीकानंद नरेश महाराजा गज सिंह ने आमोद प्रमोद के लिए किस मुगल सम्राट के समय गजनेर महल बनवाया था? ए जहांगीर, बी मोहम्मद शाह, सी औरंगजेब, डी फर्रुखसियर। इसका सही आंसर है बी मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर सात, राजपुताना में गुहिल वंश की तुलना अन्य किस राजवंश से की जाती है जिसने लगभग गुहिल वंश के समान 800 सालों तक शासन किया है? ए गुर्जर पतियार, बी राठौड़, सी परमार, डी भाटी। इसका सही आंसर है डी भाटी। क्वेश्चन नंबर आठ, आमेर दुर्ग की वह इमारत जहाँ से रानियाँ दीवाने खास का दृश्य देखा करती थी, ए यश मंदिर, बी शीश महल, सी सौभाग्य मंदिर अर्थात सुहाग मंदिर, डी सुख मंदिर। इसका सही आंसर है ए यश मंदिर। क्वेश्चन नंबर नौ, राजपुताना की किस शैली में सारंगधर नामक चितेरे का उल्लेख मिलता है? ए मेवाड़ शैली में, बी बनेठनी शैली में, सी मारवाड़ शैली में, डी हाड़ोती शैली में। इसका सही आंसर है सी मारवाड़ शैली में। क्वेश्चन नंबर दस, वह लेखक जिसने राजपूत क्षत्रियों को रघुकुल तिलक कहा, ए चंद्रवरदाई, बी नैन चंद्र सूरी, सी राजशेखर, डी गोपीनाथ शर्मा। इसका सही आंसर है सी राजशेखर। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, राजस्थान के किस स्वतंत्रता क्रांतिकारी के लिए वह कहा गया है कि ऐसा वीर पुरुष नहीं देखा है, ए सागरमल गोपा, बी प्रताप सिंह बारट, सी अर्जुनलाल सेठी, डी विजय सिंह पथिक। इसका सही आंसर है बी प्रताप सिंह बारट। क्वेश्चन नंबर 12, राजपुताना में धनुर्धारी सिक्के किस पुरास्थल से प्राप्त हुए? ए सांबर, बी बयाना, सी रेड टोंक, डी नगरी चित्तौड़। इसका सही आंसर है डी नगरी चित्तौड़। क्वेश्चन नंबर 13, झोराबा गीत जो पति के वियोग में गाया जाता है इनमें से किससे संबंधित है? ए आदिवासी प्रदेश से, बी पर्वतीय क्षेत्र से, सी मरुस्थलीय क्षेत्र से, डी हाड़ोती प्रदेश से। इसका सही आंसर है सी मरुस्थलीय क्षेत्र से। ये थी आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको हमारे आज का टॉपिक अच्छा लगा तो कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें, धन्यवाद।